हेलो फ्रेंड्स, मैं हसीना आपको अपनी यूट्यूब चैनल हसीना ग्रिप चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हम लोग तो अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि अगर छोटे बेबी यानी कि नई बॉर्न होते हैं उनके छाती के अंदर खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा क्या करें कि जिससे उसकी खड़खड़ की आवाज़ रुक जाए। कि छोटा बेबी होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो बेबी जल्दी से उसको हल्की सी भी ठंड लग जाती है तो उसके छाती में से खटखट की आवाज़ आने लग जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से जाते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, छाती में खटखट की आवाज़ क्यों आ रही है, ना ही तो बेबी आराम से सो रहा है, ना ही किसी को सोने दे रहा है और वो रो रहा है। तो प्लीज़ आप घबराए नहीं, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर डायरेक्ट बोलेगा कि इसको निमोनिया हो गया है, इसको टाइफाइड हो गया है, इसको निमोनिया हो गया है, आप जल्दी से इसको भर्ती कराओ। और फिर उसको वो जो गरम गरम जो बफारा बोलते हैं हम शहरों में, डॉक्टर लोग होते हैं जो उसको बफारा देते हैं, गर्म हवा देते हैं कि इसको बफारा देना पड़ेगा बेबी को, उसके खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आप कल हॉस्पिटल लेके आ जाना, बड़े अस्पताल लेके चले जाना, और आज हम इसको बफारा दे देंगे। तो बफारे के मैं आपको बाद में, मेरी वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको बफारे के बारे में बताऊंगी क्या उससे क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है। तो आप भी मेरी वीडियो को एंड तक देखिए कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तब बात करते हैं कि बेबी के अगर छाती में खड़खड़ की आवाज़ आ रही है तो उसके घरेलू नुस्खे क्या करें। तो मैं आपको नुस्खे बताऊंगी कि वो एकदम ठीक हो जाएगा बेबी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और भी कोई वीडियो देखनी है और उसके बारे में अगर आप बोलना चाहें तो मैं लगातार मैं अपनी वीडियो पे बनी रहूँगी। और अपनी जो भी आपकी जो शिकायत होगी तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं आपकी वीडियो अगली वीडियो में आपको उनके बारे में बताऊँगी। और आप मेरी वीडियो पे लगातार बनी रहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बेबी के अगर खड़खड़ की आवाज़ आ रही है तो क्या करें। तो मैं आज आपको नुस्खे बताऊँगी कि जिससे उसकी खड़खड़ की आवाज़ एकदम से रुक जाएगी। और आप मुझे विश्वास कीजिए, मैं भी दो बच्चों की माँ हूँ और मेरे बेबी पे मैं घरेलू नुस्खे आजमाती हूँ। अगर उसको हल्का सा भी बुखार होता है तो मैं घर पे ही उसको दवाई दे के ठीक कर देती हूँ घरेलू नुस्खे से ही। हो जितना भी हो सके तो आप बेबी को और बच्चों को, मतलब कि जो दवाइयाँ होती है डॉक्टर की, उससे बचाएं कि वो नुकसान करती है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद में तो डॉक्टर को दिखाना ही है। अगर छोटे घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाता है बेबी तो वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं आज आपको घरेलू नुस्खे बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी के अगर खड़खड़ की आवाज़ आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक पान का पत्ता लेना है जो कि हमें बाजार में आराम से मिल जाएगा। जो पान वाले की दुकान होती है उससे भी मना नहीं करेंगे, भैया 5-10 रुपए लेंगे पत्ते के, लेकिन वो भी दे देंगे। तो कम से कम आपको दो पत्ते लेने, बड़ा पत्ता हो तो एक ही पत्ता काफ़ी है, अगर छोटा हो तो दो पत्ता है। तो अगर बेबी की छाती में खटखट की आवाज़ आ रही है तो बेबी की छाती से लेके और पेड़ तो इतना से ही होता है तो पत्ता भी इतना से आता है। तो आपको क्या करना है, पत्ते को साफ धो लेना है, फिर उसका ऊपर का जो डंटल होता है लकड़ी का, वो जाड़ा जाड़ा होता है, उस डंटल को तोड़ लेना है। फिर उसको साफ कपड़े से पोंछना है और उस पर क्या करना है, आपको हल्की सी जो बेबी वाली विक्स होती है वो हल्की सी विक्स लगा के और उसको आपको गैस पे या चूल्हे पे, खीरे पे हल्का सोका उसको आँच पे गर्म करना है। तवे पे नहीं रखना है, आँच पे गर्म करना है चिमटे से पकड़ के। आप इस बात का ध्यान रखें, यानी कि आपने बोला गरम किया तो तवे पे रख दिया, या जो मिट्टी की तवी रहती है उस पे रख दिया तो वो चिपक गया, सूख गया, वो ऐसे नहीं होना। उसको चिमटे से पकड़ के हल्के आंच से उसको गरम करना है। गरम करके वो गरम करते एकदम जो वो टाइट रहेगा पत्ता, वो एकदम नरम हो जाएगा, हल्का सा गरम करने पे नरम हो जाएगा। उसको वापस ठंडा करना है, नरम होते उसको बिल्कुल ठंडा करना है। उसके बाद में बेबी के छाती के ऊपर
छाती और पेट के ऊपर जो यहाँ पे होता है उसको पत्ते को यहाँ पे रख देना है, उसको रख के और बेबी को आराम से ऊपर से टी शर्ट पहना के आराम से सुलाए। सुबह तक आप देखना कि उस बेबी के जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ उससे उसके छाती में से खड़खड़ की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी और एकदम आराम से सोएगा। मतलब एक घंटे बाद में तो आप देखोगे कि बेबी की छाती में से आवाज़ खड़खड़ नहीं आएगी, आप भी आराम से सोओगे, बेबी भी आराम से सोएगी। तो फ्रेंड्स आज हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर बेबी के बुखारे के बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो लगातार देखते रहिए, आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।